सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू विरोही व्लॉग। और दोस्तों, आज हमें जानकारी देना चाहूंगा गोवा के बारे में कि गोवा की 5 एक्टिविटीज़ जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे सस्ती कहां हो सकती हैं। तो ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया। जब भी आपको गोवा जाना हो तो इनसे गो गोवा एडवेंचर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी एक्टिविटीज़ आपको करा देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। और स्कूबा डाइविंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो रेडी होते स्कूबा डाइविंग करने के लिए। मेरा वन अच्छा पूरे वीडियो का इस्तेमाल दिखाएंगे। 32-33 राइट और का वीडियो सो गाइस, जैसे ही मैं अंदर आया यहाँ पे, पहले तो मेरे को स्टार्टिंग में जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसमें क्या होता है, अपने आप ही सांस आपको लेना पड़ता है और अपने आप ही इसमें छोड़ना पड़ता है सांस। तो मेरे को थोड़ा पहले दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में मैंने इसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया मेरे को कैसे सांस लेनी है, तो आप बढ़िया करके चलने लगा। फिर मैंने कहा इनको और नीचे लेके जाए मेरे को। तो ये पहले ही आपको ऑप्शन देते हैं, डाउन के लिए आपको नीचे थम करना होगा, अपके लिए ऊपर थम करना होगा। तो मैंने नीचे किया है, तो अभी वो नीचे लेके जा रहे हैं। और अब ये देखिए कहाँ कहाँ मैं नीचे जाता हूँ। और बहुत अंदर तक जब मैं गया यहाँ पे, तो बहुत ही बड़े बड़े ये नीचे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं आपको। तो मेरे को ये मिले देखने के लिए, अंदर फिशिश भी थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया तो ऐसा मेरे कान पे प्रेशर पड़ने लगा। फिर मैंने उनको थोड़ा होल्ड करने के लिए बोला, क्योंकि होल्ड जब आप करेंगे तो ओके का सिंबल दिखाएंगे, तब वो आपको होल्ड करते हैं, मतलब वहीं पे रोक देंगे। उसके बाद जब मैंने थोड़ा और नीचे जाने के लिए बोला, तो मेरे कान पे इतना प्रेशर पड़ने लगा कि मैंने इनको ऊपर के लिए बोल दिया और फिर ये मेरे को ऊपर ले जाने लगे। मेरे प्रेशर इतना पड़ रहा था कि मुझे लग रहा था थोड़ी देर में अगर और रुकूंगा तो कहीं बाद में दिक्कत ना हो कानों में, इसलिए मैंने इनको ऊपर बोल दिया। और जिन्हें जैसे ही उन्होंने नाक मेरी प्रेस की, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मेरे को और डर लगा। फिर मैंने बहुत जल्दी ऊपर के लिए बोल दिया। अरे बस गाइस, यहाँ पे मैंने एडवेंचर अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आरोही जी की बारी थी, तो आरोही जी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। इनको बहुत डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इसलिए इनको फिर मैंने कुछ हौसला दिया। और हौसला देने के बाद ये फाइनली सिलेंडर बांध के और चल पड़ी। अब देखते हैं इनकी नाव कैसी चलती है। इनको तो डर इतना लग रहा था, देखिए पहले इनकी घबराहट निकल रही है और ये पहले ही मना कर रही है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने इनको पॉज कर दिया, अरे नहीं, सांस लो, सांस लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुंह मत खोलो, मुंह मत खोलो। अरे एक एक बार हो जाएगा। ऊपर कर लो भाई, ऊपर कर लो, नहीं ले पा रही है, ऊपर कर लो। आरोही सही था यार। फाइनली हमने स्कूबा डाइविंग दोनों लोगों ने अच्छा कर लिया और आरोही जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मेरे अंदाज में बहुत बेस्ट कर लिया इन्होंने। तो गाइज, फाइनली यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट एडवेंचर होगा वो होगा बनाना राइड। तो आपको वो शो कराते हैं बनाना राइड कैसे होता है, देखिए। जर जर इतना इतना भैया इतने के Let's go.
गाइस जैसे ही हम लोग बनारा राइड से नीचे उन्होंने गिराया तो आरोही जी तो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रही थी, तो कदमों तक पानी था फिर भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। तो बहुत मजा आया। फिलहाल दूसरा एडवेंचर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पर हमारा दूसरा एडवेंचर होगा, इसका एक्चुअली नाम तो हाय हाय बोलो हाय भाई हाय भाई चार पाँच निकाल देना सो गाइस फाइनली हमने बहुत ही इंजॉय किया इन तीन एडवेंचर में, और चौथा एडवेंचर जो हमारा है वो है हमारा पैरासाइलिंग, और पैरासाइलिंग में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज वाटर डिपिंग का ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 200 रुपीज़। वैसे जो पैकेज में इंक्लूड होता है वो एक मिनट का आपको ऊपर लेके जाएगा ये पैराशूट और आपको वापस ले आएगा, एक मिनट का ये इनका टाइमिंग रहता है। और अगर आप 1.5 मिनट का लेते हैं जिसमें आपका ये डिप रहता है, डिप में आपको जो है वो 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मैंने अपना 200 रुपये पे किया और आरू जी का भी डिप करवाया था तो उनका भी 200 रुपये पे किया। लेकिन आप यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं तो डिप ज़रूर करें, डिप का मज़ा जो है वो अलग ही है, बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ देखें गाइस बारी है अब आरोही जी की, और आरोही जी जा रही हैं। देखिए इनको पहले डर लग रहा था लेकिन बाद में सब सही हो गया। कोई नहीं आग में ऐसे कर लो। सो गाइस यहाँ पे आरोही जी को पता नहीं था कि उनको डिपिंग कराना है, तो वो गुस्सा हुई यहाँ पे कि मैंने उनको डिपिंग करा दिया। और ये है गाइस हमारा लास्ट एडवेंचर जो स्कूटी राइडिंग हमने की दोनों लोगों ने। सो गाइस यहाँ पे फुल एडवेंचर में हमें बहुत ज़्यादा मजे आए हैं, और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट जो हमें जाना है वो जाना है हमें कोकोनट बीच। कोकोनट बीच पे आपको मिलेंगी डॉल्फिन मछली के लिए जाना जाता है, और हम चलते हैं डॉल्फिन मछली देखने के लिए। यहाँ से हमने पहले टिकट लिया, टिकट है हमारा 700 रुपये का दो लोगों का, और हम चलते हैं डॉल्फिन मछली देखने। बहुत ही यूनिक दिखेंगी आप वो देखिए, ये देखिए गाइस डॉल्फिन, वाओ। सो नाइस सो ब्यूटीफुल। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डॉल्फिन देख ली। डॉल्फिन देखने के बाद हम पहुंचे सिकेरिम बीच। सिकेरिम बीच हमारा लास्ट स्टॉप था। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर मिल पाए। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।